उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के तीन बड़े नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही। ये तीनों ही नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी, पार्टी के फाइनेंसर भी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे। वो एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। मेरठ से 12 जिलों से होता है प्रयागराज में खत्म होगा। इसके जरिए मेरठ से प्रयागराज तक की जो दूरी 8-9 घंटे में पूरी होती है, वो 6.5 घंटे में हो जाएगी पूरी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर आज राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ आ रहे। यूपी चुनाव को लेकर यह उनका अमेठी का पहला दौरा। ये जगदीशपुर विधानसभा में 5 किलोमीटर की भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा बहन प्रियंका के साथ करेंगे। पंजाब चुनाव में गठबंधन के लिए पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से की मुलाकात। शेखावत ने कहा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो पहले ही संकेत दे चुका है, हम मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अमरिंदर का लंबा सियासी अनुभव है, वो पंजाब की जनता का हित चाहते हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी। नए केस में 5 से 10 हजार के आसपास मामले। देश में बीते 24 घंटे में 7,145 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 7,886 मरीज रिकवर। 289 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 27,39,00,000। महामारी से अब तक कुल 53 लाख से ज्यादा की मौत, जबकि 8,63,00,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला जा रहा डे नाइट टेस्ट मैच बिजली गिरने के कारण रोकना पड़ा। इंग्लैंड की पारी के दौरान 9वां ओवर माइकल नेसर कर रहे थे, इस दौरान जोरदार बिजली गिरी और तेज आवाज आई। हालांकि बिजली स्टेडियम के अंदर नहीं गिरी, इसके बाद अंपायरों ने खेल रोका, खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाने को कहा। हल्की बारिश भी होने के कारण अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने का किया फैसला। हिमाचल में हो रही ताजा बर्फबारी से आम जनजीवन बेशक बुरी तरह प्रभावित, मगर सैलानी इसका ले रहे जमकर आनंद। मनाली शहर में सीजन का पहला स्नोफॉल। देश के कोने कोने से मनाली पहुंचे सैलानियों ने इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हवाओं की तेज चाल से एनसीआर की हवा में सुधार, जबकि दिल्ली की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में। वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एजेंसियों का पूर्वानुमान, आने वाले 2 दिनों में मौसम दिशाओं का साथ नहीं देने की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। आज सवेरे का AQI 319 रिकॉर्ड किया गया। सफर के मुताबिक ये गंभीर स्थिति है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई नहीं किया बदलाव। देश कई राज्यों में अब भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से पार। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी आम आदमी की कमाई पर डाल रहे असर।